क्या आपको भी भूली की बीमारी हो चुकी है? तो सुन लीजिए, अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, या फिर आप कुछ सामान रखते हैं और उसे रख कर भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप बताने जाते हैं और स्लिप हो जाती है, फिर आपको याद नहीं आता कि मैंने बोलना क्या था। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब कि आपको भूलने की बीमारी हो चुकी है और इसके लिए आपको आज से ही अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहिए। लेकिन आप अपने शारीरिक विकास पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा बना रहे, हम हेल्दी रहें, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदीन जिंदगी। लोग ना अपने मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ना अपने बॉडी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं कि हम हेल्दी दिखें, कोई मुझे मोटा ना बोले। अगर आपको कोई मोटी बुद्धि वाला बोले तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने हेल्थ के साथ अपने ब्रेन पावर पर भी पूरा वर्क करना चाहिए ताकि आपका ब्रेन पावर भी फिट रहे। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करेगा। चलिए बताएं। वैसे तो बता दें कि नर समय बहुत जरूरी है खाना, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को दोनों तरीके से फिट रखता है। लेकिन इसके साथ ही हम बता दें कि हमें ना सबसे ज्यादा अखरोट खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे ब्रेन पावर को मजबूत बनाता है। तो हमें आज से ही अखरोट या फिर नट्स जरूर खाने चाहिए। एक व्यस्क को हमेशा 15-30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है तो इसलिए ये हमारे याददाश्त को मजबूत बनाता है, तो हमें नट्स जरूर खाने चाहिए। ब्लैक टी और कॉफी भी हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, अगर आप एक दिन में 2 कप, यानी कि आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं या फिर कॉफी, लेकिन वो प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और ऑर्गेनिक होनी चाहिए, तभी वो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगी, आपके माइंड पावर को इम्प्रूव करेगी। क्योंकि कॉफी में बहुत सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हमें कॉफी जरूर पीनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 कप, 2 कप से ज्यादा आप नहीं पी सकते। इससे ज्यादा पीने से आपकी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, और आप जो भी आप ले रहे हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, कॉफी हो या फिर ब्लैक टी हो, आपकी हेल्थ को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती है जब तक आप उसे प्योर तरीके से नहीं पीते। प्योर इन द सेंस आप दूध मिला के उसकी पौष्टिकता को कम कर देते हैं, इसलिए आपको इन्हें प्योर तरीके से पीना चाहिए। ब्लैक टी पी रहे तो ब्लैक टी ही पीजिए, ग्रीन टी पी रहे तो ग्रीन टी ही पीजिए, उसमें दूध वगैरह या इस तरह का कुछ प्रोडक्ट इंक्लूड मत कीजिए ताकि इसका पूरी पौष्टिकता आपको मिल सके, और केवल 2 कप। सोलेमन और टूना मछली, ये दोनों इस तरह की मछली होती है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो हमें जरूर खानी चाहिए। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन मैं हाँ नट्स वगैरह खा के, ग्रीन वेजिट्स खा के अपने दिमाग को, माइंड को पावरफुल बना सकती हूँ, तो मैं तो वही खाती हूँ। लेकिन जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है, आपको जरूर खाना चाहिए। आप जो भी खा रहे हैं, टूना फिश या सोलेमन फिश, उसे ना हफ्ते में एक बार जरूर खाइए। 1 कप एक व्यस्त खा सकता है, जो कि उसके ब्रेन पावर को बहुत एनर्जी देने वाली है। तो आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, अपने ब्रेन पावर को मजबूत करना है, तो सोलेमन फिश या फिर टूना फिश जरूर खाइए। बेरीज ना हमें जरूर खानी चाहिए, क्योंकि बेरीज अगर आप खाते हैं तो आपकी याददाश्त मजबूत होने वाली है। तो आज से ही आप बेरीज खाना शुरू कर दीजिए, कम से कम आधा कप आप बेरीज खाइए, कोई भी किसी भी तरह का बेरीज, बेरीज तो कई प्रकार की होती, तो आपको बेरीज जरूर खानी चाहिए जिससे आपका ब्रेन पावर बढ़ सके। अक्सर लोग ना डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इससे स्किन भी शाइन करती है और आपका जो माइंड है वो तेजी से वर्क करता है, तो आपको डार्क चॉकलेट जरूर खाना चाहिए। इससे आपके ब्रेन पावर को और ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो आपको डार्क चॉकलेट आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसमें होता क्या है? इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और कैफीन से भरपूर होता है ये डार्क चॉकलेट। तो हमें डार्क चॉकलेट जरूर खाना चाहिए, ये हमारे स्किन को भी ग्लो देगा और आपके ब्रेन को भी ग्लो देगा, जी हाँ, ब्रेन पावर को बढ़ाएगा, तो आपको डार्क चॉकलेट जरूर खाना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार आप इसका इंटेक कर सकते हैं, 30-60 ग्राम खा सकते हैं, बस इतना आप खाइए, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपका दिमाग भी तेजी से वर्क करेगा, और ये सबसे बेस्ट है, आपको इसे जरूर अपनाना चाहिए, ये आपके ब्रेन पावर को बहुत मजबूती देता है, फुल एनर्जी देता है, ट्राई जरूर करें।
अंडे ना शरीर को प्रोटीन देने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन भी देते हैं, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6। तो इससे केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी होता है, आपकी हेल्थ फिट रहेगी, आप बिल्कुल अच्छे दिखेंगे। तो आपको अंडे जरूर खाने चाहिए। अंडे खाने से आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका ब्रेन पावर भी तेजी से वर्क करेगा, तो आपको अंडे भी जरूर खाने चाहिए। अंडा कितना खाना चाहिए? वैसे तो बता दें अंडा केवल एक दिन में एक ही खाना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर आपकी हेल्थ थोड़ी अप डाउन है या आप पतले हैं तो हो सकता है आपको डॉक्टर एक दिन में दो बोले, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं, मतलब आप फिट रहें, तो आपको अंडा एक दिन में एक ही खाना चाहिए। हल्दी, हल्दी की बात करें तो हल्दी में एक केमिकल होता है जो कि कर्क्यूमिन केमिकल कंपाउंड की तरह यूज होता है, जो कि हमारी बॉडी में इसका बहुत यूज होता है, तो हमें जरूर हल्दी का इंटेक करना चाहिए। लेकिन सच पता है तो हल्दी का यूज ही हमें नहीं आया, हम जो मार्केट में मिलता है ना हम उठा के वही डाल देते हैं और हम सोचते हैं हल्दी खा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए हल्दी का सही यूज, अगर आपको अच्छी हल्दी मिलती है या खड़ी हल्दी मिलती है तो उसे खुद पीसिए और उसे यूज कीजिए, वो बहुत इफेक्टिव होती है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते ना तो आपको सप्लीमेंट के तौर पर हल्दी खानी चाहिए। बीच में आप ब्रेक करके बीच बीच में आप उसे जरूर सप्लीमेंट को यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर सबकी कमजोर हो चुकी है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है तो हल्दी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हो चुकी है। हमें ना सीड्स भी जरूर खाना चाहिए, सीड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तो हमें ना सीड्स भी जरूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में, वो खरबूजे के, तरबूज के, इन सब के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सीड्स होते हैं जिन्हें हमें जरूर खाना चाहिए। तो इन सीड्स को अपने लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करें, अपने डाइट में जरूर शामिल करें, ताकि ये खनिज पदार्थ भी आपको मिल सके। अगर बात करें कि इसे खाना कितना चाहिए, तो इसे हफ्ते में 3 से 4 बार आप खा सकते हैं, आप इसे 1/4 कप खा सकते हैं। ये आपके हेल्थ को भी फिट रखता है, आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई अगर आपको बीमारी भी हो चुकी है, वो मिर्गी हो सकती है या कुछ इस तरह के कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सबको रिकवर करती है, तो आपको इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट। जिस तरह हमारे शरीर के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे ब्रेन पावर को भी एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से वर्क करे। हमारा ब्रेन पावर तभी अच्छे से काम करेगा जब उसे प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगी, और वो कैसे मिलेगी? अच्छे खान पान से, अच्छे रहन सहन से, ताकि आपकी हेल्थ के साथ आपका ब्रेन पावर भी हेल्दी बना रहे। अगर खान पान की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां हमें जरूर खानी चाहिए, हेल्थ को भी फिट बनाती है और आपके मेंटल हेल्थ को भी फिट बनाती है, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन 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 बात ये है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां बनाते कैसे हैं? लोग ना हमेशा या तो फ्राई करके बनाते हैं या उसे इतना भून लेते हैं, इतना फ्राई कर लेते हैं, इतना सेक लेते हैं कि उसकी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। तो आपको उबाल कर या स्टीम से ही खानी चाहिए, इससे उसका पौष्टिकता पूरी तरह आपको मिल पाएगा। पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, केले जैसी बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं जिन्हें हमें जरूर खाना चाहिए। ये सब्जियां दिमाग तेज करने वाले बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, ल्यूटिन और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और एक शोध से भी पता चला है कि हमें ना प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे याददाश्त को मजबूत बना रहे हैं, तो हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है और अपनी बॉडी को भी फिट रखना है, अपने माइंड पावर को भी, ब्रेन पावर को भी मजबूत बनाना है, तो आज से ही हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू कर दीजिए। वैसे भूले की बीमारी ना बहुत सारी रीजन से होती है, लेकिन अगर बात करें खान पान से, तो खान पान में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, जैसे कि दूध से बनी चीजें, पनीर, दही, ये सब हमारी याददाश्त को थोड़ा कमजोर करती हैं। अगर हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो ये हमारी याददाश्त को कमजोर करती है। वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन वसा से भरा हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है, जो ऑयली होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है, उन्हें हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पावर को कमजोर करते हैं। हाँ, हम खा सकते हैं टोन दूध से बना हुआ पनीर खा सकते हैं, हम दही खा रहे हैं तो दही की जगह अगर मट्ठा पीते हैं तो वो हमारे लिए सही होता है, लेकिन अगर हम प्योर खाते हैं तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। वैसे सोया ना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन अगर हम सोया को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन पावर को यह नुकसान पहुँचाता है, तो इसलिए सोया कम खाना चाहिए। मीठे पदार्थ की बात करें तो मीठा हमें वैसे भी कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाता है, हमारे ब्रेन पावर को भी नुकसान पहुंचाता है, तो हमें मीठा कम खाना चाहिए।
मादक पदार्थों से भी हमें दूर रहना चाहिए। शराब, सिगरेट, ये भी हमारे मेमोरी पावर को कमजोर बनाती है, तो इन चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि गैजेट्स अगर हम ज्यादा यूज करने लगते हैं तो भी हमारी मेमोरी पावर कमजोर होने लगती है, तो हमें गैजेट से भी दूर रहना चाहिए। वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्क्रीन टाइम लिमिट बांध देनी चाहिए खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अगर हमने स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं बांधी तो हमारा ब्रेन पावर कमजोर हो जाएगा। हमें ना वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सबको भी शामिल करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। भले आप आधा घंटा कीजिए, मॉर्निंग में वॉक कर लीजिए, आप दिन को किसी भी समय आप खाना खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इन्हें जरूर शामिल करें। आप ये मत सोचिए कि मुझे मॉर्निंग में ही सारी चीजें करनी है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना है कि आपको वॉक करना है तो मॉर्निंग वॉक, या फिर आप डिनर के बाद भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन डिनर के बाद अगर वॉक करते हैं तो आप स्लो वॉक कीजिए, बहुत कि आप खाना खा के बहुत तेज वॉक नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपका ब्रेन पावर अच्छे से वर्क करेगा। ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, अल्जाइमर टाइप की प्रॉब्लम होती है, अगर वो हो गई है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12, 9, 6, ये सब आपके ब्रेन पावर को बहुत पावरफुल बनाती है और डॉक्टर से तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। ये तो हमने वो चीज़ें बताई जो आपको घर पे आसानी से मिल सकती हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए जो आपके ब्रेन पावर को मजबूत करते हैं। अगर आप इन सबको नहीं खा सकते, जो सिंपल खाद्य पदार्थ हैं इन्हें आप अपने डाइट में शामिल नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, इन सप्लीमेंट्स को जब भी लें तो डॉक्टर के परामर्श से ही लें, क्योंकि डॉक्टर की परामर्श आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी डॉक्टर अगर आपको देखेगा तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री को चेक करेगा, उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट्स देगा या फिर कुछ और दवाएं इंक्लूड करके देगा, जिससे आपके अगर ब्रेन पावर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठीक कर सके। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई, आप घर बैठे इन चीज़ों को शामिल करें तो आपका ब्रेन पावर भी मजबूत होगा और आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इन फूड्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।